सो दोस्तों आज हमारे पास है 250 सीसी की सबसे प्रीमियम बाइक। आज हम इसके बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। इसमें आपको सारे फीचर्स मिल जाते हैं जो आपको एक 250 सीसी बाइक में मिलनी चाहिए। इस बाइक का नाम है KTM की ड्यूक 250, जो कि देखने में बहुत ही गजब की दिखती है। आज हम इस बाइक के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। जो भी डाउट होगा सारे डाउट मैं क्लियर करने वाला हूं। तो टाइम न लगाते वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं। इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 2,69,500 रुपए। इस शोरूम का कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। सो यहाँ पे आप कॉल भी कर सकते हैं एंड विजिट भी कर सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं इस बाइक के बारे में डिटेल से। सबसे पहले आपकी नजर जाने वाली इस बाइक की हेडलाइट में। आपको काफी गजब की हेडलाइट मिलने वाली है। हेडलाइट आपको मिल जाती है एलईडी, साथ में आपको DRL भी LED मिल जाते हैं। मैं आपको DRL ऑन करके दिखा देता हूँ। ये रही इस बाइक की, आपको कुछ ऐसे की मिल जाएगी। इस पर आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है। और बाइक को अभी हम ऑन कर लेते हैं। सो ये रहा इसका DRL ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगा। इंडिकेटर दिखा देता हूँ, इंडिकेटर भी आपको LED मिल जाता है। और भी हम चलते हैं टेल वाले सेक्शन पे और मैं आपको टेल लाइट दिखा देता हूँ। टेल लाइट की बात करें तो ये ऑन होने के बाद कुछ ऐसे दिखेगी, ये भी आपको LED मिल जाती है। और ये रहा रियर का इंडिकेटर। सो रियर से बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम चलते हैं फ्रंट में और बाइक को अभी हम ऑफ कर देते हैं। अभी बाइक ऑफ हो चुकी है और आ जाते हैं हम फ्रंट में। और यहाँ पे देखें तो आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ में स्टिकर वर्क जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ऐसा ही आपको स्टिकर वर्क इधर भी मिलने वाला है, इधर की साइड में। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके मडगार्ड की। ये रहा आपको मडगार्ड मिल जाएगा, काफ़ी स्पोर्टी टच के साथ में मिलने वाला है। और ये वाला आपको सिंपल सा ब्लैक मैट फिनिश में एंड मड फ्लैग का डिजाइन यहाँ पे मिल जाएगा। सस्पेंशन की बात करें तो फ्रंट में आपको WP के USD फोक सस्पेंशन मिल जाते हैं, जो कि एक बहुत अच्छा सस्पेंशन होता है। और अभी हम इसके रियर का सस्पेंशन देख लेते हैं। सो ये रहा रियर का। रियर में भी आपको WP का मोनो सॉक सस्पेंशन मिल जाता है, जो कि ये भी काफ़ी अच्छा सस्पेंशन होता है। इसमें आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है। और अभी हम बात कर लेते हैं इसके टायर की। टायर की बात करें तो आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर मिलने वाला है, जो कि ब्रांड की बात करें तो आपको MRF ब्रांड का टायर मिल जाएगा। टायर साइज की बात करें तो आपको फ्रंट में मिल जाएगा 110/70 का। और अभी हम रियर का देख लेते हैं। सो ये रहा रियर का। रियर में आपको काफ़ी ज़्यादा वाइडर मिलने वाला है फ्रंट के कंपेरिजन में। रियर में भी आपको ट्यूबलेस रेडियल टायर मिल जाता है। रियर टायर साइज की बात करें तो आपको मिल जाएगा 150/60 का। और व्हील की बात करें तो आपको अलॉय व्हील मिल जाती है, जिसकी साइज आपको फ्रंट एंड रियर में सेम ही रहने वाली है, 17 इंच। और अभी हम इसके ब्रेक की बात कर लेते हैं। आपको इसमें डुअल डिस्क मिल जाएगी और साथ में आपको मिलने वाला है डुअल चैनल ABS, जिससे आपकी ब्रेकिंग सिस्टम काफ़ी अच्छे होने वाली है और पिन टू पिन आपका ब्रेक लगने वाला है। और यहाँ की बात करते हैं, ये रहा आपका रेडिएटर। आपको कूलिंग सिस्टम इसमें मिल जाता है, लिक्विड कूल, जो कि एक अच्छा कूलिंग सिस्टम होता है। और यहाँ पर आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये रहा आपका इंजन गार्ड, ऐसे कुछ आपको मिलने वाला है। और यहाँ पर आपका कैटलेटिक कन्वर्टर मिल जाएगा, जिसे हम BSCC पहचान मानते हैं। सो इधर से ये इंजन कुछ ऐसे दिखने वाला है। ये रहा आपका चेसिस, जो कि कुछ ऐसे मिल जाएगा। सस्पेंशन, ये रहा आपका राइडर फुटरेस्ट, ये रहा आपका ब्रेक पैड, और ये रहा आपका पिलियर राइडर फुटरेस्ट जो कि फोल्डेबल आता है। और ये रहा इसका एग्जॉस्ट, जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है। मैं इसका साउंड भी आपको स्टार्ट या एंड में सुना दूंगा। सीट काउल की बात करें तो ये रही आपकी सीट काउल। यहाँ पर आपको ग्रेवल मिल जाएगा एंड KTM की ब्रांडिंग विद स्टिकर वर्क। टैंक की बात करें तो ये रहा टैंक। टैंक पर आपको 250 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, साथ में ड्यूक की भी। और ये रहा इसका टैंक काउल, और ये रहा इसका टैंक। टैंक आपको मिल जाएगा मेटल वर्क के साथ में एंड साइड फेयरिंग आपको मिलने वाले फाइबर वर्क के साथ में। लेकिन इसकी क्वालिटी काफी अच्छी अगर आप कंपेयर करोगे अदर ब्रांड से। इसमें आपको इंजन मिलने वाला है 248.8 cc का, जिसकी पावर आपको मिलने वाली है 30 PS एट 9000 RPM। और आपको टॉर्क मिल जाएगा इसमें 24 Nm एट 7500 RPM। इसमें आपको सिंगल सिलेंडर, 4 स्ट्रोक, 4 वाल्व, लिक्विड कूल, DOSC और साथ में आपको FI मिल जाएगा विद 6 स्पीड गियरबॉक्स। अभी हम इस बाइक के राइट साइड का फुल व्यू देख लेते हैं। सो ये बाइक राइट साइड से कुछ ऐसे दिखने वाली है। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। सो ये रहा इधर का व्यू। इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। और अभी हम चलते हैं इस बाइक के रियर वाले साइड में। टेल लाइट की बात करें तो आपको LED मिलने वाली है और आपको ऐसे कुछ कैमरे मिल जाएंगे। ये रहा रियर का इंडिकेटर। सो इधर से ये बाइक कुछ ऐसे दिखने वाली है। अभी हम चलते हैं इस बाइक के लेफ्ट साइड में। और लेफ्ट साइड से आपका ऐसा कुछ कैमरे मिलने वाला है। और यहाँ पे आपको कॉम्पैक्ट सारी गार्ड मिल जाएगा, साथ में आपको टायर हगर मिलने वाला है, जो कि आपके पिलियर राइडर को प्रोटेक्ट करने वाले हैं मिट्टी या डस्ट से, साथ में लुक को भी काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देते हैं। और आपको ऐसी कुछ चैन ड्राइव मिल जाएगी, पिलियर राइडर फुटरेस, ये आपका राइडर फुटरेस, ये आपका गियर पैड। गियर बॉक्स की बात करें तो आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलने वाले हैं। पहले आपका नीचे लगेगा, बाकी के 5 ऊपर लगने वाले। साइड स्टैंड आपको डुअल स्टैंड नहीं मिलता है, और साथ में आपको मिल जाता है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर। ये रहा आपका सस्पेंशन, और यहाँ पे ये रहा आपका लेग गार्ड। यहाँ पे आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी। और ये रहा इस बाइक का इंजन। टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 250 की ब्रांडिंग मिल जाएगी, जो कि कुछ ऐसे रहने वाली है। और अभी हम थोड़ा दूर से देख लेते हैं इस बाइक का लेफ्ट साइड का व्यू, आपको कुछ ऐसे मिलने वाला है। सो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी। और भी बात कर लेते हैं इस बाइक के सीट कंफर्ट के बारे में। आपको काफ़ी स्टाइलिश सीट मिलने वाली है, जो कि देखने में बहुत ही खूबसूरत
खूबसूरत लग रही है, आपको स्प्लिट सीट मिल जाती है जिसमें आपको कंफर्ट बहुत अच्छा मिलने वाला है राइडर एंड प्रीमियर राइडर को, और कुशनिंग भी आपको काफ़ी अच्छी मिल जाती है, आपको ड्यूक की ब्रांडिंग मिल जाएगी KTM की, और आपको ऐसा कुछ ग्रैबर मिल जाएगा, सीट काउल पे आपको दोनों तरफ KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी। अभी बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक की, और टैंक की बात करती है आपको मेटल वर्क के साथ मिलने वाला, बाकी की साइड फेयरिंग आपको फाइबर वर्क के साथ मिलेगी, लेकिन इसकी फाइबर वर्क जो है बहुत ही प्रीमियम है, बहुत अच्छी क्वालिटी के साथ में आपको मिलने वाला है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके मीटर कंसोल की, ये मैं आपको ऑन करके दिखा देता हूँ। सो इसमें आपको LCD मीटर कंसोल मिल जाता है जो कि कुछ ऐसे रहने वाला है, यहाँ पे आपका RPM शो करेगा, स्पीड गियर पोजीशन इंडिकेटर, ये आपका ABS का बताएगा, और यहाँ पे आपका फ्यूल का बताएगा, ये आपका बताएगा टेम्परेचर का, और काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड साइड में आपको शो होने वाली है। आपको सेट रीसेट करने का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाएगा। और हम बात कर लेते हैं इसके रेसिंग हैंडल बार की, आपका थ्रोटल रहा, ब्रेक लीवर, किल स्विच, ये आपका सेल्फ रहा, और ऐसा कुछ आपको रेसिंग हैंडल बार मिल जाएगा। यहाँ पे आपको KTM की ब्रांडिंग मिल जाएगी, और इधर की स्विचेस की अभी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपको अपर टिपर का स्विच मिल जाएगा, इंडिकेटर, ये आपका हॉर्न का, ये आपका पासिंग का, ये आपका हो जाता है क्लच लीवर। और अभी हम बात कर लेते हैं इस बाइक के डायमेंशन के बारे में, इसकी सडल हाइट आपको मिलने वाली है 830 mm, और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी आपको मिल जाता है 13.5 लीटर। इसका ग्राउंड क्लियरेंस आपको काफ़ी अच्छा मिलने वाला है 185 mm, और व्हील बेस आपको मिल जाएगा 1357 mm, और इसका वेट आपको मिलने वाला है 161 kg के आसपास। और इसकी प्राइस मैं आपको फिर से बता देता हूँ, इसकी आपको ऑन रोड प्राइस पड़ने वाली है 269,000 के आसपास। इस शोरूम का कॉन्टैक्ट नंबर एंड एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप देख रहे हो एक 250cc की प्रीमियम बाइक जिसमें आपको कम्फर्ट अच्छा चाहिए, साथ में राइडिंग पोस्चर भी अच्छा चाहिए, और उस बाइक को अगर आप लेकर निकलो तो आपको सोचना ना पड़े, आप कहीं भी लेकर जा सको, चाहे रेस ट्रैक हो या फिर थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग करनी हो या फिर कैसे भी आपको चलाना हो, रफ एंड टफ ही चलाना हो, तो उस बाइक को आराम से आप चला सको। सो ये बाइक आपके लिए परफेक्ट रहने वाली है, आप इस बाइक की तरफ आसानी से जा सकते हो, लेकिन आपका बजट भी अच्छा खासा होना चाहिए तभी, क्योंकि इस प्रीमियम बाइक को लेने के लिए आपको प्रीमियम भुगतान तो करना पड़ेगा। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताओ ये बाइक आप लोगों को कैसी लगी, और किसकी किसकी फेवरेट बाइक है, किसके किसके पास है, कौन कौन लेना चाहेगा। मुझे देखने में काफ़ी अच्छी लगी, आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर देना, और यहाँ तक वीडियो देखा होगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम।